नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरिया स्कूल ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में मेटोनिमी को डिस्कस करेंगे। मेटोनिमी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम में मेटोनिमी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, मेटोनिमी ये ग्रीक वर्ड मेटोनिमिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा भी गया है। मेटोनिमी का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ नेम, ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग मेटोनिमी के डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। देखो, मेटोनिमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा नाम दे दिया जाता है, और ये जो दूसरा नाम होता है वो पहले वाले नाम से एसोसिएटेड होता है, यानी कनेक्टेड होता है। दूसरे शब्दों में समझिए, मेटोनिमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होगा जिसमें किसी चीज को दूसरे नाम से जाना जाएगा, और ये जो दूसरा वाला नाम है पहले वाले ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होगा। आप नट सेल में समझिए, मेटोनिमी में होता क्या है। मान लीजिए कोई पोएट है, उसे अपनी पोएम में ऑब्जेक्ट ए को मेंशन करना है, तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए से ही रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट बी को मेंशन करेगा, ठीक है। और हम रीडर को ऑब्जेक्ट ए को समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पोएट है, उसे अपने पोएम में साइंटिस्ट को मेंशन करना है, तो वो सीधे सीधे साइंटिस्ट को मेंशन नहीं करेगा, लेकिन साइंटिस्ट से रिलेटेड दूसरे वर्ड यानी लैब कोट को वो मेंशन करेगा। ऐसे ही मान लीजिए उसको यूएस प्रेसिडेंट को मेंशन करना है, तो फिर वो सीधे सीधे यूएस प्रेसिडेंट को नहीं लिखेगा, लेकिन वो क्या लिखेगा? द व्हाइट हाउस लिखेगा। और यही होता है मेटोनिमी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए उसको किंग या मोनार्की को मेंशन करना है, तो फिर वो किंग और मोनार्की की जगह पे क्राउन को मेंशन करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूजीसी ने 2006 और एनबीएस टीजीटी 2014 में पूछा भी गया है, ठीक है। ऐसे ही मान लो पोएट को राइटर को मेंशन करना है, तो राइटर की जगह पे वो पेन लिखेगा, और मनी की जगह पे वो पर्स को लिखेगा। और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब के सब मेटोनिमी के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से जजेस और जुडिशियरी के लिए वो बेंच को मेंशन करेगा, ठीक है। यूजीसी ने 2006 में पूछा भी गया है। मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए द हाउस को मेंशन करेगा, सक्सेस को सीधे सीधे ना लिखकर उसकी जगह पे क्या लिखेगा? द लॉरेल लिखेगा। ऐसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स की जगह पे वो क्या लिखेगा? द रेड कोट्स लिखेगा। इसी तरीके से पोएट अपने पोएम में ओल्ड पर्सन के लिए क्या मेंशन करेगा? ग्रे हेयर्स मेंशन करेगा। ग्रे हेयर का मतलब सफेद बाल, ठीक है। और ये सफेद बाल किसको सिंबलाइज करता है? ओल्ड पर्सन को करता है। तो ध्यान रखना, पोएट सीधे सीधे ओल्ड पर्सन नहीं लिखेगा, लेकिन वो क्या लिखेगा? ग्रे हेयर्स लिखेगा। और यही होता है मेटोनिमी। अब हम लोग मेटोनिमी के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा? मान लीजिए कोई पोएट है, अपने पोएम में उसे किसी पर्सन या थिंग को मेंशन करना है, तो वो किसी पर्सन या थिंग को सीधे सीधे मेंशन नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? इस पर्सन या थिंग से रिलेटेड किसी साइन या सिंबल को वो यूज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो पोएट को यूएस प्रेसिडेंट को मेंशन करना है, तो वो द यूएस प्रेसिडेंट की जगह पे क्या लिखेगा? द व्हाइट हाउस लिखेगा, क्योंकि द व्हाइट हाउस पे कौन रहता है? द यूएस प्रेसिडेंट रहता है, ये अंडरस्टूड है। तो ये ध्यान रखना, मेटोनिमी में इस तरह से यूज होगा। द व्हाइट हाउस पास्ड अ न्यू रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, तो प्रेसिडेंट ने नया प्रस्ताव पास किया। इसी तरीके से पोएट क्या करेगा? चेयरमैन के लिए कौन से साइन का यूज करेगा? चेयर का यूज करेगा। यू मस्ट एड्रेस द चेयर, यानी यू मस्ट एड्रेस द चेयरमैन। ऐसे ही रिच पीपल के लिए वो अ फुल पर्स का यूज करेगा। फुल पर्स यानी जिसके पर्स में खूब पैसे हो, यानी रिच पीपल। तो पोएट मेटोनिमी में क्या करेगा? रिच पीपल की जगह पे अ फुल पर्स का यूज करेगा। और ये हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वो रिच पीपल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो रिच पीपल है उनके पास दोस्तों की कमी नहीं होती है। ऐसे ही ध्यान रखना, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेट विद द पुअर क्रूक्ड साइथ। तो यहां पे देखो कौन से साइन का यूज हुआ है? सेप्टर एंड क्राउन। सेप्टर का मतलब होता है राजतन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट। ये कौन धारण करता है? किंग। तो ध्यान रखना, यहाँ पे किंग सीधे सीधे पोएट ना बोल करके क्या बोल रहा है? सेप्टर एंड क्राउन। और यहाँ पे साइथ का मतलब होता है हसिया, और हसिया कौन लेता है? किसान लेता है। तो यहाँ पे देखो किसान के लिए अगेन साइन का यूज हुआ है साइथ। तो इन सब में क्या होगा?
इसमें भी जो है ध्यान रखना मिटॉनमी का यूज हुआ है, और इसका मतलब यही है किंग जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, टम्बल डाउन का मतलब उसका भी पतन होगा, और वो भी क्या होगा, वो भी मरेगा और धूल में मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई गरीब कोई किसान मरता है और धूल में मिल जाता है, ठीक है। यानी डेथ जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, डेथ सभी के लिए क्या है, इनएविटेबल है। ऐसे ही देखो फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, क्रैडल का मतलब होता है पालना, तो पालना किससे संबंधित है, इन्फेंसी बचपन से संबंधित है, ग्रेव यानी कब्र, और ये किससे संबंधित है, डेथ से। तो पोएट देखो यहाँ पे इनफैंसी और डेथ को सीधे सीधे मेंशन ना करके यहाँ पे वो साइन का यूज कर रहा है, क्रेडल एंड ग्रेव, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये भी मिटॉनमी है। नेक्स्ट लाइन है वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द रेड रोज एंड द व्हाइट रोज, यहाँ पे देखो सिंबल का यूज हुआ है, रेड रोज ये यूज हुआ है द हाउस ऑफ लैंकास्टर के लिए, और व्हाइट रोज ये यूज हुआ है द हाउस ऑफ यॉर्क के लिए। देखो वैसे तो इंग्लैंड में बहुत सारे युद्ध होते हैं, उनमें से एक युद्ध बहुत पॉपुलर होता है द वॉर ऑफ रोजेस, ये दो राजघरानों के बीच में युद्ध होता है खास करके सिंहासन के लिए, और इसका टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखना 1455 से लेके 1485 के बीच में द वॉर ऑफ रोजेस लड़ी जाती है। और इसमें जो है हाउस ऑफ लैंकास्टर, इनका जो सिंबल होता है या इनका जो प्रतीक होता है रेड रोज, और द हाउस ऑफ यार का जो सिंबल होता है वो होता है व्हाइट रोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चूंकि सिंबल का यूज हुआ है, सीधे सीधे हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ यार कहने के बजाय सिंबल का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे मिटॉनमी होगा, ठीक है। और इस युद्ध में हाउस ऑफ लैंकास्टर की विजय होती है। नेक्स्ट रोल में आप याद रखेंगे, इसमें कोई पोएट अपने पोएम की लाइन में कंटेनर का यूज करके उसमें रखी गई चीज के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, यहाँ पे देखो द होल सिटी का मतलब शहर में रहने वाले सभी लोगों की बात हो रहा है, शहर में रहने वाले सभी लोग विक्टोरियस जनरल को देखने के लिए गए। ऐसे ही देखो ऑल द वर्ल्ड प्रेजेस हिम, ऑल द वर्ल्ड का मतलब संसार में रहने वाले सभी लोगों की बात यहाँ पोएट कर रहा है, तो संसार में रहने वाले सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही देखो द कैटल बॉयज, कैटल यानी कैटल में रखी गई वाटर की बात पोएट कर रहा है, द कैटल बॉयज यानी कैटल में रखी गई पानी उबलता है। ऐसे ही देखो फोर्थ विथ ही ड्रैंक द फटल कप, फटल कप यहाँ पे देखो पोएट कंटेनर का यूज कर रहा है, लेकिन हमें क्या समझना है, इसमें रखी गई चीज के बारे में समझना है, यानी फटल कप का मतलब यहाँ पे होगा ऐसा कप जिसमें कोई पॉइजनस कंटेंट रखा गया हो, यानी जिसमें विषैला पेय पदार्थ रखा गया हो। फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली उसने विषैले पेय पदार्थ को पिया। आगे देखो द कॉन्करर्स प्लंडर द सिटी, अगेन यहाँ पे देखो कंटेनर का यूज किया गया है, सिटी यानी शहर में रहने वाले इनहेबिटेंट्स की बात हो रही है, शहर में रहने वाले रहवासियों की बात हो रही है, तो जो विजेता था उसने शहर में रहने वाले निवासियों को लूटा। आगे देखो द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनेब्रिएट्स, द कप यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे कंटेनर का यूज हुआ है, और यहाँ पे द कप का मतलब कप में रखी गई चाय की बात हो रही है, और ये लाइन विलियम काउपर की द टास्क से लिया गया है, और इस लाइन में चाय की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है कि जो चाय होती है वो चीयर्स खुशी देती है ना कि एडिक्ट बनाती है, इनेब्रिएट्स का मतलब एडिक्ट बनाना। ऐसे ही देखो आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ओवर द होल टेबल, जनरल जॉय ओवर द टेबल का मतलब होगा वो वाइन्स जो टेबल पे रखी गई हैं, और ये लाइन मैकबेथ से ली गई है, और इस लाइन को मैकबेथ खुद बोलता है, और इस लाइन को बैंक्वेट सीन से लिया गया है, ठीक है। एक दावत दिया गया रहता है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं, उसी पीरियड में ये लाइन मैकबेथ बोलता है, वो टेबल पे रखी गई सारी वाइन्स को पीना चाहता है, तो ध्यान रखना जनरल जॉय ओवर द होल टेबल का मतलब होगा वाइन्स ऑन द टेबल। अगेन ये भी मिटॉनमी का एग्जाम्पल है, और इसको आरपीएससी टीसीटी 2018 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कीप्स अ गुड सेलर, ध्यान रखना गुड सेलर ये अंडरग्राउंड रूम होता है तहखाना, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के शराब रखे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो कंटेनर का यूज करके पोएट यहाँ पे उसमें रखी गई चीज के बारे में बोल रहा है, यानी वाइन्स के बारे में बोल रहा है, यानी उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, वाइन्स है। अगेन देखो आई एम एडिक्टेड टू द बॉटल, अगेन यहाँ पे देखो कंटेनर का यूज किया गया है, एक्चुअली पोएट
बॉटल में रखी गई लीकर या वाइन की बात कर रहा है, कि मैं जो है लीकर का एडिक्ट हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज अनडाउटली द बेस्ट स्टेबल इन द कंट्री। यहाँ पे देखो अगेन कंटेनर का यूज किया गया है, स्टेबल, स्टेबल में घोड़ों को बांधा जाता है। तो यहाँ पे पोएट सीधे घोड़ों की बात ना करके यहाँ पे घोड़े जिसमें बांधे जाते हैं यानी कंटेनर का यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मिटॉनमी होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंट्री में सबसे अच्छे घोड़े उसके पास है। नेक्स्ट लाइन है, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, द पेन किसके लिए यूज किया गया है, राइटिंग या राइटर के लिए, और स्वॉर्ड यहाँ पे यूज किया गया है मिलिट्री पावर या फिर वायलेंस के लिए। और ध्यान रखना ये जो लाइन है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, और यहाँ पे इस लाइन में बोला गया है जो राइटिंग होती है वो मिलिट्री पावर या वायलेंस से ज्यादा शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस गो टू बेड नाउ। यहाँ पे वंस अगेन देखो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, बेड एक्चुअली किसके लिए यूज हुआ है, स्लीप के लिए, और यहाँ पे देखो पोएट सीधे सीधे स्लीप को ना बोल करके इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, अगेन ये मिटॉनमी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। यहाँ पे भी देखो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, और रेड टेप किसके लिए यूज किया गया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए। रेड टेप का मतलब होता है लाल फीताशाही, ऐसी कोई सिस्टम जिसमें कागजी कार्रवाई ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी या रेड टेप। तो ये भी देखो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, मिटॉनमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिससे ऑडियंस को इम्प्रेस कर सके, यानी ऑडियंस को खुश कर सके और अपने फेवर में ले सके। और हमें अच्छे से पता है ये काम पॉलिटिशियन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और वंस अगेन यहाँ पे देखो कंटेनर का यूज हुआ है, और इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मिटॉनमी हो जाएगा। नेक्स्ट टूल में आपको याद रखना है, इसमें अगर किसी पोएट को किसी ऑथर के वर्क को मेंशन करना है तो वो सिर्फ उस ऑथर के नेम को मेंशन करेगा। एग्जांपल से समझिए, वी हैव रेड विलियम वर्ड्सवर्थ। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को पढ़ लिया है। ऐसे ही आई हैव रेड कीट्स, इसका मतलब ये है कि मैंने जॉन कीट्स के वर्क्स को पढ़ लिया है। सिल्वर मैन हैज नेवर रेड ब्राउनिंग, इसका मतलब सिल्वर मैन ने कभी ब्राउनिंग के वर्क्स को नहीं पढ़ा है, और ये ध्यान रखना यूजीसी ने 2010 में पूछा भी गया है। ऐसे ही मान लो कोई राइटर विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के लिए सिर्फ शेक्सपियर लिख रहा है तो पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो ये हो जाएगा मिटॉनमी। ठीक है, और याद रखना ये एनबीएस पीजीटी 2014 में पूछा भी गया है। देखो हम लोगों ने मिटॉनमी के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिटॉनमी के लाइंस को आप बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।